नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन रोजगार में। इस लेसन में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर कराऊंगा जो कि आपके इंडियन नेवी MR SSR AA एयरफोर्स वाई ग्रुप कोस्ट गार्ड के लिए रहने वाले हैं। तो दोस्तों, दिसंबर माह के सारे करंट अफेयर मैं आपको इस लेसन में करवा दूंगा। साथ ही दोस्तों, मैंने प्रीवियस चार जो है आपके लेसन करवा दिए, जिसमें मैंने आपको अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के करंट अफेयर करवाए हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर मैं आपको करवा रहा हूँ, तो एक बार जल्दी से जाइए और वो चार लेसन भी देख लीजिए। तो आज के इस लेसन में दोस्तों, मैं आपको दिसंबर माह के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर कराऊंगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है दोस्तों, पर्वतीय चिकित्सा पर 12वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई, यानी पर्वतीय चिकित्सा पर 12वीं विश्व कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई थी। तो दोस्तों, काठमांडू जो कि आपकी नेपाल की राजधानी है, जहाँ पर आपका सार्क देशों का मुख्यालय भी है, वहीं पर जो है पर्वतीय चिकित्सा पर 12वीं विश्व कांग्रेस आयोजित की गई थी काठमांडू नेपाल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भारत में पहला स्टेडियम कहाँ स्थापित किया गया। दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का भारत में पहला स्टेडियम कहाँ पर स्थापित किया गया। तो दोस्तों, मेघालय में जो है ये स्थापित किया गया है दिव्यांगजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर जो है स्टेडियम मेघालय में स्थापित किया गया है। अगला दोस्तों, यूनिसेफ की सबसे युवा सरदावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है। तो मिली बॉबी ब्राउन को जो है यूनिसेफ की सबसे युवा सरदावन राजदूत के रूप में जो है नियुक्त किया गया है, मिली बॉबी ब्राउन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व एड्स डे यानी वर्ल्ड एड्स डे 2018 का विषय कब क्या था। तो अभी जो है दिसंबर में जो है वर्ल्ड एड्स डे, यानी 1 दिसंबर को जो है हर वर्ष जो है वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है दोस्तों। तो उसका विषय क्या था 2018 का, तो यहाँ पर था नो योर स्टेटस दोस्तों, वर्ल्ड एड्स डे 2018 का विषय था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लू वाटर्स अहाय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो अनूप सिंह ब्लू वाटर्स अहाय के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा देश जनवरी 2019 में थिएटर स्तर पर समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स आयोजित करेगा। तो भारत दोस्तों ये आयोजित करने वाला है जनवरी 2019 में थिएटर बेस समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स जो है भारत आयोजित करेगा 2019 में। तो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और दोस्तों, लेसन आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व मृदा दिवस यानी जो है वर्ल्ड सोइल डे कब मना, 2018 का क्या विषय था। तो 2018 में दोस्तों वर्ल्ड सोइल डे का विषय था बी द सोल्यूशन टू द सोइल पोल्यूशन, यानी हम जो है उसका जो है सोल्यूशन बने सोइल पोल्यूशन का, बी द सोल्यूशन टू सोइल पोल्यूशन, ये इसका जो है विश्व मृदा दिवस 2018 का विषय था। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन 2018 की मेज़बानी किस शहर ने की। तो काठमांडू ने दोस्तों इसकी मेज़बानी की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसने मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों, एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब राडोर। तो बहुत ही लंबा नाम है दोस्तों इनका, एंड्रेस मैनुअल लोपेज अब राडोर ने जो है यहाँ पर मैक्सिको के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस मंत्रालय ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन CCI ओसला 2018, यानी किस मंत्रालय ने दोस्तों चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ओसला 2018, इसका विषय था दोस्तों ओसला 2018 के लिए राष्ट्रीय उत्सव लॉन्च किया है बच्चों के लिए। तो यहाँ पर महिला व बाल विकास मंत्रालय ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ओसला 2018 बच्चों के लिए उत्सव लॉन्च किया है महिला व बाल विकास मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत सरकार के वर्तमान मुख्य सलाहकार कौन है। तो दोस्तों, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी दोस्तों भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन आपको बताना दोस्तों कमेंट सेक्शन में। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो पिछला क्वेश्चन था दोस्तों जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि जो है जॉन ऑस्टिन ने क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्ति ले ली, वह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे।
तो वो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के लिए तेज गेंदबाज थे, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। तो उसका आंसर काफ़ी ने जो है सही बताया था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी को, वो जो है अपनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखना है, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। बंगाल की खाड़ी में गहरे चक्रवात नामक तूफान का क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में गहरा चक्रवात तूफान आता है, उसको क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए है आपके पास फेलिन, ऑप्शन बी है ओकी, ऑप्शन सी है आपका हुडहुड, ऑप्शन डी है फेताई। तो इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बंगाल की खाड़ी में गहरे चक्रवात नामक तूफान को क्या नाम दिया गया है। तो इसका आंसर आप जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और दोस्तों लेसन कैसा लगा इसे लाइक करके बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। और अगर आप दोस्तों नेवी MR SSR AA एयरफोर्स वाई ग्रुप कोस्ट गार्ड के लिए GK या जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उन अकेडमी पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों हम आपको बिल्कुल पूरा सिलेबस जो है कवर कराएंगे, और आधे से ज़्यादा सिलेबस हमने वहाँ पर आपका कवर करवा दिया है। तो लिंक अन अकेडमी पर फॉलो करने का डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाइए चेक कीजिए, हमारे लेसन देखिए, अगर आपको अच्छे लगे तो ही फॉलो कीजिए वरना वापिस आ जाइए। तो ज़रूर से एक बार चेक कीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों लेसन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का आइकन दबा लीजिए, अन अकेडमी पर जाइए, हमारा लेसन देख लीजिए, अगर अच्छा लगे तो फॉलो कर लीजिए। फिजिक्स और GK के लेसन हमने वहाँ पर डाले हुए हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले लेसन में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।